हेलो फ्रेंड्स, फांसी शब्द से तो आप सभी अवगत हैं और फांसी उस व्यक्ति को दी जाती है जो अमानवीय कार्य करता है, ऐसे कार्य जो समाज में स्वीकार नहीं किए जाते। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि फांसी देने का सही समय क्या है और उसी समय को सही समय क्यों बताया गया है। एक और ऐसा ही सवाल, हम सभी स्कूल तो गए ही हैं, तो जाहिर है हम सेंटीमीटर, किलोग्राम, आर्मस्ट्रॉन्ग, किलो न्यूटन, किलोमीटर जैसे शब्दों से अवगत हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेंटीमीटर में सी और एम लोअर केस यानी कि छोटे शब्दों में ही लिखे जाते हैं, किलोमीटर, किलोग्राम भी लोअर केस में ही लिखे जाते हैं, तो फिर किलो न्यूटन में एन कैपिटल क्यों, आर्मस्ट्रॉन्ग में ए कैपिटल क्यों? है ना सवाल कमाल का। इन सवालों के जवाब हम देंगे इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है, तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। फ्रेंड्स, पहले हम बात करेंगे फांसी की। फांसी हमेशा सूर्योदय से पहले ही दी जाती है और ऐसा किया जाता है कुछ मान्यताओं की वजह से। ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय से पहले कैदी का दिमाग सबसे शांत होता है और कैदी बिल्कुल सामान्य महसूस कर रहा होता है। इस समय फांसी देने से कैदी सबसे कम मानसिक पीड़ा अनुभव करता है। ऐसा भी माना जाता है कि फांसी देने के लिए जेल के सभी अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट होता है। यदि फांसी दिन के समय दी जाए तो जेल के दूसरे कार्यों पर भी फर्क पड़ता है। फांसी देने से जेल के दूसरे कार्य प्रभावित ना हो, इसलिए फांसी सूर्योदय होने से पहले ही दे दी जाती है। ऐसा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि फांसी देने के बाद जेल में कैदी के मृतक शरीर को बहुत सारे कार्यों से गुजरना होता है, जैसे शरीर का पोस्टमार्टम, उसकी रिपोर्ट्स जमा करना और मृतक शरीर को परिजनों को सौंपना। इसलिए सूर्योदय से पहले ही फांसी दे दी जाती है ताकि यह सब काम दिन में बिना किसी अड़चन के किए जा सकें। और अब हम बात करेंगे मापक इकाइयों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मापक इकाइयाँ विभिन्न मापों को नापने के काम आती हैं। इन इकाइयों में केवल उन्हीं शब्दों को कैपिटल में लिखा जाता है जो कि वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए हैं। जैसे सेंटीमीटर में किसी भी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, इसलिए इसे लोअर केस यानी छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। जबकि किलो न्यूटन में न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए एन को कैपिटल में लिखा गया है। ऐसे ही आप और भी उदाहरण देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको कौन सी जानकारी ज़्यादा पसंद आई हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। हमारे सारे वीडियोस देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए सीबी चैनल, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं वो सब जो आप जानना चाहेंगे। DJ Baggio.